आ रही है आपको बता दें। एक और खबर आ रही है, सोशल मीडिया पर इस्तीफा देना चाहते थे उद्धव ठाकरे, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। क्या संजना जी आप इसकी पुष्टि कर सकती है, शरद पवार ने उद्धव को इस्तीफा देने से रोका था? संजना जी, उद्धव जी उस दिन भी इस्तीफा देने के लिए तैयार थे, वो कह रहे थे आप यहाँ पे आओ, आप हमारे लोग हो तो महाराष्ट्र में आओ, महाराष्ट्र में आकर मुझे कहो कि मुझे हमें आपका नेतृत्व मान्य नहीं है तो मैं मुख्यमंत्री पद का ही नहीं, मैं शिवसेना को समझ में नहीं आ रहा है रिजाइन दे दूंगा। अरे मैडम, ये आप लोग को समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें वो मान्य नहीं है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो उनको उनके लिए मान्य नहीं है? नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। आप क्या एक साथ मेरे साथ चाहिए उसकी लालसा को पूरा करने के लिए बीजेपी ने ये 39-40 लोगों को अपने साथ लगाया हुआ है। संजना, भारतीय जनता पक्ष की नीति है। संजना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? संजना जी हम लोग जान रहे हैं तो संजना जी पूरा पढ़ने की आवाज आ रही है क्या मेरी? नहीं तो ऑडियो फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। प्लीज आप सवाल भी सुनिए, धारा प्रवाह मत बोलिए, थोड़ा बीच बीच में सवाल भी सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिए। आप ही से पूछ रही हूँ, मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी भी इस बात में कोई शक है क्या कि वो उद्धव ठाकरे नहीं एकनाथ शिंदे को अपना नेता मान रहे हैं? वो खुलकर कह रहे हैं, एक सेकेंड हैप्पी बर्थडे का वीडियो आता है, वहां पर एक से एक आयोजन किए जा रहे हैं, सबका वीडियो जारी किया जा रहा है। अभी भी आपको लग रहा है उनकी कनपट्टी पर कोई बंदूकें? देखिए वहां पे हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना चल रहा है, एकनाथ शिंदे का पैर छू रहे हैं वहां पर लोग। ये देखिए अभी केक खिलाएंगे उसके बाद पैर छुएंगे, तो उसमें और अभी भी आपको शक ही है इस बात में? 21 एमएलए है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए संजना जी। उसमें से ही 21 एमएलए है जिनके फैमिली मेंबर्स है, जिनकी बीवियां है या बच्चे, वो कह रहे हैं कि हम लोग इससे सहमत नहीं है, हमारे घर वाले मतलब उनके एमएलए जो भी है वहां के वो सहमत नहीं है, उनको वहां पे जबरन लिए लेके जाया गया है, इसलिए हम चाहते थे कि ये महाराष्ट्र के परिवार वाले कह रहे हैं। कई परिवार वाले तो ये भी कह रहे हैं कि उनको धमकी मिल रही है, वो डरे हुए हैं, राज्यपाल ने उनकी सुरक्षा के लिए मांग की है। ये 21 से 23 लोगों के घर वाले उनके थ्रू है, ठीक है, इसके लिए हम चाहते हैं कि वो फ्लोर टेस्ट पे आए। अच्छी बात है संपर्क में आप फैमिलीज के साथ, लेकिन मैडम अल्टीमेटली एमएलए ही डिसाइड करेंगे। अगर वो नहीं आ रहे हैं वहां पर हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हैं तो मामला गंभीर है। वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को वहां पे दिखाया जा रहा है, जो चित्र वहां गुवाहाटी में, देखिए सूरत से सावंत साहब आपके साथ थे ना कल, गुवाहाटी क्यों जाना पड़ा इन्हें? सावंत साहब थे ना आपके साथ? एक सेकंड मैडम, ये सावंत साहब जो मंत्री है ये थे ना आपके साथ? ये भी चले गए? एक भी मंत्री ने आदित्य ठाकरे को छोड़कर? हाँ मान्य करते हैं ना हम लोग, हमारे साथ थे परसों से चले गए में, वो भी चले गए, बिछड़े सभी बारी बारी। संजना, ये संजय जी, मैडम इन सबको मैं बताती हूँ आपको ना, ईडी का नोटिस दिखाया जा रहा है, ये घर में आ जाएगा दिखाया जा रहा है, बोले उन्होंने कुछ जन को वो बोल के गए है, ये चीज है। एकनाथ शिंदे जी के जोशी जी है उनके पीए, उनको ईडी की नोटिस आई। ये अभी यामिनी यादव है, ये अभी क्या दूध के दूल्हे होने वाले? आपके सारे मंत्री, आपके सारे विधायक ईडी से डर के चले गए जी। संजना जी आपकी बात समझ गई, ये केंद्र सरकार जो ईडी सीबीआई उनके पीछे कमेंट जल्दी से उसके केंद्र सरकार उनको सुरक्षा प्रदान करेगा जल्दी से। मिस्टर संजय, संजय झा, अंजना जी देखिए, यदि ये 16 लोगों को इन्होंने अयोग्य ठहराया, मान लीजिए कि ये उच्चतम न्यायालय ने उसको उसको उस पर उनकी भी वर्डिक्ट सहमति रखती है, तो इनको तो निष्कासित किया जाएगा शिवसेना से। तो देखिए अंत में चुनाव दो ही चीज हो सकते हैं, सबसे पहले तो 11 जुलाई के पहले फ्लोर टेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यदि उनको 11 जुलाई का टाइम दे दिया है, मतलब ये मान के चली कि उसके पहले फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, ये कानूनी तरीके से ये प्रक्रिया का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि आप कैसे फ्लोर टेस्ट कर सकते हैं जबकि बाकी दो बड़े गंभीर पेचीदा विषय पर कोई फैसला आना अभी तक बाकी है। रतन शारदा जी आपका कमेंट इस पर, रतन शारदा जी अगर अयोग्य ये घोषित हो जाते हैं 16, तो आप कैसे उनको अभी फैक्टर इन कर सकते हैं, फ्लोर टेस्ट पहले कैसे करा सकते हैं? धन्यवाद अंजना जी, भूल ही गया था कि मैं टीवी पर हूँ, हमें याद था सर, बड़ी जल्दी याद किया आपने मुझे। देखिए यहाँ पर लोग बहुत मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले पौने घंटे से मैं देख रहा हूँ। पहली बात तो जिन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, वो जानते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर प्रश्न उठाता है वो जेल जाता है। यहाँ शिवसेना की प्रवक्ता कह रही है कि हम तो कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट करो, फ्लोर टेस्ट कहाँ चाहिए आपको? मातोश्री में चाहिए आपको, राजभवन में चाहिए आपको, असेंबली में चाहिए? आप कह रहे हमारे सामने आओ, देखो चीफ मिनिस्टर 2 साल तक फेसबुक और फोन से गवर्नमेंट चला रहा था, अपने शिवसेना के एमएलए को मिल नहीं रहा था, केवल एनसीपी के लोगों को अजीत दादा पाटिल मिल रहे थे,
वो आज कहे कि मेरे को सामने आके फेस करो, उन्होंने तो कह दिया कि हमें तो आपकी इस अलायंस की मंजूरी नहीं है। और दूसरी बात, आगे बढ़ेंगे तो ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम तो बिल्कुल कड़क है, हम तो लोगों के घर बिल्कुल दंगे करवा देंगे, इन्होंने क्या कहा था संजय संजय किसी ने दंगा वर्ड नहीं बोला है सर, मिसकोट मत कीजिए, दंगा मैं किसी ने बोल नहीं तो बोला। उन्होंने कहा ये वॉयलेंस है ही नहीं, आज तक में कहा उन्होंने ये वॉयलेंस है ही नहीं, तो केवल झलकी है। मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो आपके तर्पण की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने साफ कहा कि ये तो केवल वॉयलेंस है ही नहीं, तो हमारे खून में, ये तो बहुत मामूली सी बात है, अभी तो आगे देखिए क्या होता है, अरे ये यहाँ धमकी चल एकनाथ शिंदे गुट आगे भी तो बढ़े। संजय राउत के पुतले जला रहा है, इसकी अंजना क्या जी आगे जरूरत है, एक मिनट आगे नारेबाजी जरूर की कीजिए, बात खत्म पुतले हो क्यों गए। जला रहे हैं संजय राउत की। अंजना जी आपने मुश्किल से मुझे आंखें में टाइम दिया, बोलने देंगी प्लीज, अरे बोलिए, लेकिन काउंटर क्वेश्चन तो करूंगी ना सर। करिए काउंटर हाँ तो क्वेश्चन। काउंटर क्वेश्चन है, जवाब हाँ दीजिए। तो अगर अगर उसका उत्तर चाहिए तो साफ देख लीजिए, ये सारे मिट्टी से जुड़े हुए जो एमएलए है, कोई क्लब क्लास एमएलए नहीं है, किसी के बदौलत ही एमएलए नहीं बने थे, ऐसे एमएलए जिन्होंने कांग्रेस को हराया, बीजेपी को हराया, हर बार चुनकर आए, ऐसे लोगों को आप धमकियां दे रहे हैं, जिनका चीफ मिनिस्टर का राजकुमार, वो इसकी हिम्मत नहीं थी कि बांद्रा में इलेक्शन लड़े, वर्ली की सेफ सीट ढूंढी, वहां भी सचिन ने अपनी पार्टी कर रुकिए लिया, ये इनकी ताकत। अभी रुकिए, जरूरी बात रतन मैं जी को करूं पूरा प्लीज करने प्लीज दीजिए, फिर बोलिएगा संजना जी। प्लीज प्लीज, कानून की बात कर लेने, तो कानून क्या कहता है, अगर इनको इतनी हिम्मत थी कानून की, डेप्यूटी स्पीकर पर का आरोप है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा ये एमएलए को पार्टी से निकालेंगे नहीं, क्योंकि पार्टी से निकालेंगे तो इनके वो तो एमएलए को निकाल नहीं सकते, तो डेप्यूटी स्पीकर ये कैसे कह सकता है कि पार्टी की मीटिंग में नहीं आए, इसके लिए आपको मैं एमएलए से डिस्क्वालीफाई करता हूँ, वो पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, जब तक वो नहीं बुलाते असेंबली, जब तक व्हिप जारी नहीं करते, उनको आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ये जो लोगों को भ्रम डाल रहे हैं, इसके लिए मैं आपको उसी स्पष्ट तरह करूंगा डेप्यूटी स्पीकर क्या को भी उत्तर। नो कॉन्फिडेंस अरे नहीं ला सकते जब आपकी तक बात अधिवेशन आप नहीं होता। ठीक है संजना जी, जवाब दे डेप्यूटी रही हैं, अब स्पीकर सुनिए को पार्टी के संजना व्यवहार जी। के कारण आप नहीं डिसमिस करते एमएलए, आप उसको पार्टी से निकाल सकते हैं, आप नहीं निकालते, आप मंत्रियों को हाँ भी तो नहीं निकालते, संसदीय छह भी लोग अधिवेशन हैं, जब तक नहीं आज होता मैंने वो सुना। रतन जी अब स्पीकर जवाब सुनिए, बैठे संजना जी जवाब दे रही हैं, मोशन नहीं ला सकते। संजना जी निकाले कायदा आधा आधा मत गए, बताइए, आप भी कायदा, आप कायदा बताते हैं तो पूरा बताइएगा, आप कायदा मुझे बताते बताइए हैं तो आपके पूरा मंत्री ने बर्खास्त बताइएगा। हुए कि नहीं, आप मुझे बताइए कि अगर एमएलए को आप पार्टी विप जारी नहीं करते, उसको आप कैसे डिसमिस कर सकते हैं, आप उसको पार्टी से निकाल सकते हैं, आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, इसलिए सारे संजना डाने जी बंद आपसे करिए, एक पते की बात आप पूछती हूँ, असेंबली को एक बार बुलाइए, संजना जी को मेरे साथ सरकार दिखाइए। छानने संजना दीजिए, जी आपने आज सरकार तक को पर ताक डेप्यूटी लगा के स्पीकर लोगों की आवाज पर नहीं चुकी आंच लगा जिनकी, दिया। डेप्यूटी स्पीकर लाइव बैठे थे हमारे रिपोर्टर के साथ और उन्होंने लाइव में ये कहा कि हाँ मैंने वो मेल देखा है, उसमें नितिन देशमुख का भी सिग्नेचर है, लेकिन उसका सिग्नेचर, चूंकि नितिन देशमुख अब कह रहे हैं कि वो सिग्नेचर उसने नहीं किया है, तो मैं बाकी के सिग्नेचर कैसे विश्वास कर सकता हूं। फिर कोर्ट में कहा गया कि नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं आया है, हमें समझ नहीं आया, फिर कह रहे हैं कि वेरीफाइड नहीं था, हाँ हमें मिला था नोटिस। इस तरह से नहीं कह सकते ना, एक डेप्यूटी स्पीकर एक महत्वपूर्ण पद है, एक क्राइसिस का सिचुएशन है और ऐसे में आप ऐसा फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते हैं, उससे शक पैदा होता है। ये सिचुएशन ऐसी थी कि वहां कि मैंने फिर से बता रही हूँ आपको, जब वहां से 22 से 21 लोगों का फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है उनके फैमिली के थ्रू कि उनको बैका के गलती खाना खाने के लिए जाना है, एकनाथ शिंदे जी के घर पे बोल के वहां तक लेके जाया सूरत गया चले है, गए तो उस पे विश्वास एकनाथ शिंदे रखना के घर में कैलाश खाना खाना पाटिल, एकनाथ शिंदे हमारे और सूरत कैलाश चले गए। पाटिल जो सूरत से पीछे भागे हैं, तो उनका उन्होंने फोटोज भी दिखाए कि किस तरह से वो रास्ते से निकले, कैसे ट्रक पकड़ के आए, तो ये चीज है।